छत्तीसगढ़ के एकमात्र जो है राज्य मंत्री आवास की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। अमित शाह गृह विभाग वैसे ही संभालेंगे, रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के पास ही होगी। अमित शाह गृह मंत्री की जिम्मेदारी, अब देखना है दिलचस्प, वित्त किसके पास जाता है, जिसके अंडर में आती है ईडी। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री बने रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी, अश्विनी चौबे रेल चलाते रहेंगे, तो थोड़ी देर में लगभग ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। मनोहर लाल शहरी विकास मंत्रालय, अमित शाह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री। बार बार हालांकि यही बात कही जा रही थी, अजय टमटा हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री। तो मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है। तुखन साहू हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, जो जिम्मेदारी दी गई है मनोहर लाल को, उसी के जो राज्य मंत्री हैं शहरी विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे तुखन साहू। श्रीपद नाइक ऊर्जा राज्य मंत्री, जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्री, उद्योगों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मंत्रालय, जीतन राम मांझी के पास एमएसएमई मंत्री, ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक। तो धीरे धीरे अब ये लिस्ट अपडेट होती जा रही है। विभागों का बंटवारा, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी, ये सबसे पहले हमने आपको बताया था। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा की जिम्मेदारी देखते रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान के पास कृषि और ग्रामीण विकास, दो बड़े महत्वपूर्ण भारी भरकम महकमे शिवराज सिंह चौहान के पास रहेंगे। कृषि और ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर को लेकर जो उनका जबरदस्त काम है मध्य प्रदेश में, सिंचाई के रकबा बढ़ाने से लेकर कृषि कर्मण अवार्ड को रिकॉर्ड तरीके से मध्य प्रदेश के खाते में करना, प्रोडक्शन बढ़ाना, इन सब को देखते हुए कृषि मंत्री, कृषि के साथ साथ ग्रामीण विकास भी उनके पास रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। कृषि पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान के पास। तो घन साहू शहरी विकास राज्य मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन की जिम्मेदारी इनके पास रहेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत जीतन राम मांझी एमएसएमई इनके पास रहेगा। बाकी जो लिस्ट है, जो महत्वपूर्ण लिस्ट है, कृषि शिवराज, सुरेश गोपी इंद्रजीत सिंह ये पर्यटन राज्य मंत्री, सुरेश गोपी वामपंथ पर पहला भगवा ध्वज, वामपंथ के किले में गढ़ में, वामपंथ के आखिरी गढ़ में पहला भगवा ध्वज है सुरेश गोपी का। अफवाहें भी उड़ गई कि सुरेश गोपी ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो मंत्री नहीं बनना चाह रहा हूं, लेकिन वो मंत्री बनेंगे, ये अफवाहें थी। निर्मला सीतारमण वित्त की जिम्मेदारी संभालती रहेंगी, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। ये नए अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान दो मंत्रालय इनके पास, कृषि के साथ साथ पंचायती राज ग्रामीण विकास ये संभालते रहेंगे। 65 साल विदिशा सीट, कार्तिकीय और कुणाल
लंबे अरसे तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 8 लाख से ज्यादा की लीड से जीते हैं। अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण की जिम्मेदारी दी गई है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय संभालती रहेंगी। कल हमने इस बात का जिक्र भी किया था, इतने कठिन दौर में इकॉनमी और रुपए दोनों को उन्होंने जबरदस्त तरीके से थामे रखा। नितिन गडकरी, उनका एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड। सुरेश गोपी, इंद्रजीत सिंह पर्यटन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। चिराग पासवान खेल मंत्री बनाए गए हैं। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण महकमा। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी, चिराग पासवान खेल मामलों के मंत्री। मोदी के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण की जिम्मेदारी दी गई है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय संभालेंगी। चिराग पासवान खेल मंत्री, 5 सीटें चिराग की पार्टी के कोटे में और 5 की 5 वो जीतकर आए हैं। कोई डिमांड में नाम नहीं आया, कहा जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाई जाएगी। चिराग पासवान कल से लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, किशोरियों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। अमित शाह गृहमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनीत दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, तस्वीर लगभग साफ और जिन पर ज्यादा निगाहें थीं वो भी जैसा हमने बताया था, जैसा आपने जानकारी दी थी कि ये नजर आएगा, वही कमोबेश हुआ। जी जी, निश्चित तौर पर ललित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान जो है उन्हें बड़ा मंत्रालय जो है वो दिया जाएगा, तो अगर हम देखें सीसीएस के बाद जो सबसे बड़े मंत्रालय, अगर हम देखें बजट के तौर पर जिसको हम कह सकते हैं कि बड़े मंत्रालय हैं, तो 2 बड़े मंत्रालय जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान को दिए गए हैं। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह का उनका राजनीतिक करियर रहा है या फिर जिस तरह का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है या फिर हम कह सकते हैं कि जिस तरह का उनका प्रशासनिक अनुभव रहा है, उसके अनुसार शिवराज सिंह चौहान को जो है बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। कृषि कल्याण विभाग की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है, साथ ही साथ पंचायती राज विभाग की जो जिम्मेदारी है वह भी उनको दी गई है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम देखें छत्तीसगढ़ से आते हैं तोखन साहू, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। शहरी विकास मंत्रालय का जो विभाग है वो तोखन साहू को जो है वो दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, अभी हम बात कर रहे थे, उनको कृषि विभाग की तो जिम्मेदारी दी ही गई है, साथ ही साथ पंचायती राज विभाग की भी जो जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। तो बजट के अनुसार अगर हम देखें तो काफी बड़ा बजट जो है वो इन दोनों विभागों का होता है और हम कह सकते हैं कि सीसीएस के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण 2 विभाग हैं वो विभाग जो वो शिवराज सिंह चौहान को दिए गए हैं। बैकबोन ऑफ हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वह होता है कृषि मंत्रालय, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो लगातार वह कृषि की बात करते हैं। आज भी जब उन्होंने पहला फैसला लिया तब भी उन्होंने किसानों के हित में फैसला लिया था। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पंचायत एवं ग्रामीण विकास की बात करें तो कैबिनेट की ओर से जो सबसे बड़ा फैसला आया है, पहला फैसला आया है मोदी 3.0 का, उसमें पूरे देश में 3 करोड़ घर जो बनाने की बात हुई है प्रधानमंत्री योजना के तहत, तो उसमें हम कह सकते हैं कि ग्रामीण जो आवास बनाए जाएंगे कहीं ना कहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आवास बनाए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3.0 का जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग सीसीएस के बाद हम बात करें तो वो जिम्मेदारी जो है वो शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो उन्हें कल्चर और टूरिज्म का जो मंत्रालय है वो दिया गया है। जी ललित जी, मैं आऊंगा आपके पास। दरअसल शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लगातार निगाहें थीं क्या कुछ जिम्मेदारियां मध्य प्रदेश को मिल रही हैं, खेती किसानी की बात हो, शिवराज सिंह चौहान का जिक्र ना हो, वही पोर्टफोलियो उन्हें मिला है। हालांकि 1-2 नाम अभी और बाकी हैं जिन पर निगाहें जमी हुई हैं, इन सब के बीच क्या अपडेट आपके पास?
देखिए एक रोचक फैक्ट मैं ललित आपको बताना चाहता हूं कि ये जो दो मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को मिले हैं इसके पहले भी मध्य प्रदेश के कोटे में ये मंत्रालय मोदी सरकार में रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर, ग्रामीण एवं पंचायत मंत्रालय भी संभाल चुके हैं और बाद में वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर भी लंबे समय तक उन्होंने काम किया। तो ये एक बड़ा रोचक तथ्य है कि मध्य प्रदेश के हिस्से में एक बार फिर वो दोनों मंत्रालय आए हैं। और जिस तरीके से जिस बात का जिक्र हम लोग लगातार करते हैं कि 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिलाने का काम जो किया है वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया था। जब वो मुख्यमंत्री थे तो लगातार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिलते थे और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने का जो काम है वो मध्य प्रदेश की तरफ से लगातार किया गया और यही कारण है कि उनको बारे में लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनको कृषि मंत्रालय मिल सकता है और वही हुआ भी। और दूसरा जो विभाग है वो भी उनकी बेहद रुचि का विभाग है। मध्य प्रदेश में अब वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे तो ग्रामीण विकास को लेकर उनका विशेष फोकस जो है वो देखने को मिलता था। देखिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश वो राज्य था जिसने प्रधानमंत्री आवास सबसे अधिक जो है वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में बने थे और एक बार फिर उनको पूरे देश भर के ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो निश्चित तौर पर उनके जो काम है, जो 18 साल का सरकार का अनुभव रहा है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और उसी सब को आधार रखते हुए उनको ये दो बड़े मंत्रालय दिए गए। हालांकि जिस बात का आपने जिक्र किया कि कुछ लोगों के प्रोफाइल पर अभी भी संशय है कि वो आखिर किस भूमिका में जाते हैं, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखिए नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया, बाद में उनको इस्पात मंत्रालय भी उनको दे दिया गया था। तो अब देखना होगा कि क्या वह उसी भूमिका में नजर आते हैं, क्योंकि देखिए उनके समय में पूरे देश भर में एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया गया है। ग्वालियर जैसा एयरपोर्ट बेहद कम समय में बनकर तैयार हुआ है। तो क्या एक बार फिर वो उसी भूमिका में नजर आएंगे? और दूसरी बात अगर जो बात करें तो तीसरे कैबिनेट मंत्री के तौर पर जो है वो वीरेंद्र खटीक, सामाजिक न्याय मंत्री के तौर पर उन्होंने लंबा समय तक मोदी सरकार में काम किया है। तो अब देखना होगा कि उनको किस विभाग की जिम्मेदारी इस बार सौंपी जाती है। जी, सावित्री ठाकुर को क्या जिम्मेदारी दी जाती है? आज दरअसल वो न्यूज 18 पर जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि अब तो बस तेजी से काम करना है, उस पर भी लगातार निगाहें टिकी हुई हैं। विनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनीत एक बात और नजर आती है मध्य प्रदेश को लेकर कुछ स्थितियां, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर अगर कुछ अपडेट हो वो हमसे साझा करें, एक बात। दूसरी बात कि जो अश्विनी वैष्णव है उनके पास दो पावरफुल महकमे रहेंगे, सूचना प्रसारण और साथ ही साथ रेल, ये बड़ा एक अपडेट भी है विनीत। हाँ जी निश्चित तौर पर ललित, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अश्विनी वैष्णव के बात हम करें तो लगातार हम जिस तरह से देख रहे थे कि रेल का जिस तरह से विकास हो रहा था और हम उसकी बात पहले भी चर्चा कर रहे थे कि रेलवे का जो विभाग है वो बीजेपी के पास ही रहेगा, बीजेपी के जो सांसद होंगे उन्हीं के पास रहेगा और अश्विनी वैष्णव जो कंटिन्यू कर रहे हैं रेलवे में उनको ही रेलवे की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। जिस तरह से अगर हम देखें रेलवे आधुनिकीकरण का जिस तरह से कामकाज है जो है वो चल रहा है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो, स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनाने की बात हो। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस तरह से नए रेलवे के कोचेज जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ अगर हम देखें जो लाइनों का डबलीकरण जो है वो हो रहा है, साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रेलवे के कई PSU जो हैं वो लगातार बेहतर काम कर रहे हैं, चाहे वो अगर हम देखें वंदे भारत ट्रेन हो वो बनाए जा रहे हैं, अब जो है वंदे भारत स्लीपर भी लाने की जो बात है वो भी अब सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर हम देखें रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जिस तरह से बदल रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि रेलवे का कायाकल्प जो है वो किया जाएगा, चाहे वो रेलवे का दोहरीकरण हो, नए टेक्नोलॉजी के जो रेल इंजन है वो लाने की बात हो, रेल के नए बॉगी जो है वो लाने की बात हो, या फिर जिस तरह से सिग्नलिंग की बात हो, या फिर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि एंटी कोलिजन डिवाइस जो है वो पूरे देश में लगाने की बात हो, फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात हो, जिस तरह से रेलवे के विकास पर या फिर हम कह सकते हैं कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का ध्यान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान है, उसको देखते हुए जो अश्विनी वैष्णव ने जिस तरह से वे पिछली बार काम किया था वो जिम्मेदारी जो है वो इस बार भी उन्हें कंटिन्यू किया गया है। इसके साथ ही साथ उन्हें जो हमारे सूत्र हमें बता रहे कि INB मिनिस्ट्री का जो पदभार है वो भी उन्हें दिया गया है। सरकार की जिस तरह से हम कह सकते हैं कि किस तरह की सरकार की इमेज
बनाने की बात हो, ब्रांडिंग बनाने की बात हो, तो वो जो है वो आईएनबी मिनिस्टर के माध्यम से जो है वो मोदी सरकार जो करेगी। अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदारी दी गई है, जिस तरह का उनका कद रहा है या फिर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने जो काम काज किया है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं ललित मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मध्य प्रदेश की भी बात हो रही है, मध्य प्रदेश की भी चर्चा हो रही है, तो अगर हम देखें अश्विनी वैष्णव को जो है वो चुनाव प्रभारी बनाया गया था जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो निश्चित तौर पर अश्विनी वैष्णव की अगर हम बात करें तो अब वह विधानसभा में चुनाव प्रभारी जो थे वो मध्य प्रदेश के थे, तो निश्चित तौर पर वो मध्य प्रदेश को जो है वो बेहतर तरीके से जानते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं। और अब आने वाले दिनों में भी आप देखने वाली बात होगी कि जब रेलवे का आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है वो हम देख रहे हैं कि लगातार चल रही है और इसको जिस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा उसमें भी जो है वो उनकी भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में अगर वो मध्य प्रदेश को बेहतर तरीके से समझते हैं तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो रेलवे का भी विकास है वो भी काफी तेजी से जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। जी ललित, बिल्कुल ये बात सही है। और लगभग जो बात आप कह रहे थे कि जो सीसीएस से जुड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं वो वही रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ा एक बड़ा अपडेट मिल रहा है कि टेलीकॉम की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट आपके पास? चौहान के अलावा मध्य प्रदेश के किसी भी दूसरे मंत्री के प्रोफाइल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। उम्मीद यही है कि जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है, तो नागरिक उड्डयन के साथ साथ अभी वो इस्पात मंत्रालय देख रहे थे, हो सकता है कि उनको कोई एक नया मंत्रालय भी उनके हिस्से में आए, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से ऊर्जा के साथ वो काम करते हैं, चाहे वह फ्लाइट्स के मध्य प्रदेश में फेरे बढ़ाने की बात हो, चाहे नए एयरपोर्ट्स बनाने की बात हो, तो जिस तरीके से लगातार उन्होंने देश भर में काम किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री के तौर पर, तो उम्मीद यही है कि उनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी फिर से मिलेगी और इस्पात की जगह हो सकता है कि इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ एक नए मंत्रालय भी उनके खाते में आ सकते हैं। और जो बीरेन खटीक जो है उनको भी किसी बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि देखिए लगातार तीसरी बार वो मोदी सरकार में मंत्री बने, चाहे वह पहले कार्यकाल की बात हो, दूसरे कार्यकाल की बात हो, दोनों में वह मंत्रालय संभाल चुके हैं, तो ऐसे में अब तीसरी बार वो फिर से मंत्री बनाए गए तो निश्चित तौर पर बड़े नेता के तौर पर, वो दलित नेता के तौर पर वो मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं, 8 बार के वो सांसद हैं, तो देखना होगा कि उनके पास आखिर कौन सा डिपार्टमेंट जाता है। और जिस तरीके से इस बार मध्य प्रदेश में 2 आदिवासी चेहरों को स्थान दिया गया है, चाहे वह श्रावित